बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी महाराष्ट्र सरकार की योजना के तहत कोई भी नहीं है एक से अधिक घर का हकदार। लुधियाना में LIT ऋषि नगर में गिराएगा अवैध निर्माण। अल्टीगो कैपिटल ने पुणे रियल्टी फरांडे में 100 करोड़ रुपए निवेश करे। ग्रेटर नोएडा में वेव के प्रोजेक्ट पर काम रोकने पर किया गया 80 से अधिक ग्रामीणों को गिरफ्तार। एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना होने पर NGT ने रोका शिमला में आवासीय कॉलोनी का निर्माण। तमिलनाडु सरकार ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए 2 FSI को दी मंजूरी। 2018 की दूसरी तिमाही में LIC हाउसिंग फाइनेंस का शुद्ध लाभ 12% से बढ़कर हुआ 573 करोड़ रुपए। मद्रास हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधन पर अपने आदेश को रखा सुरक्षित। गुरुग्राम में ABW आदित्य निकेतन के खरीदारों ने HSIIDC के कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पनवेल नागरिक निकाय ने ध्वस्त की घर खरीदारों को धोखा देने वाली भू माफिया की योजना। प्लीज मैजिक ब्रिक्स को YouTube पे सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।